जम्मू कश्मीर में कोविड के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स जिला उपायुक्त और एसएसपी के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और टीकाकरण की स्थिति की जिलावार जानकारी ली। उपराज्यपाल ने तीसरी लहर से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व के अनुभव से सीख लेते हुए भविष्य से निपटने के लिए खुद को तैयार करने को कहा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर सरकार के चल रहे कोविड रोकथाम प्रयासों को पूरा करने के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने टीकाकरण में तेजी लाने, लोगों को जागरूक करने, एसओपी का सख्ती के साथ पालन करने को कहा और उन्हें टेस्टिंग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि अगले 100 दिन अहम हैं, हमें लगातार हालात पर नजर रखते हुए उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी है।